और ग्वालियर में जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम बनाकर फूलबाग चौराहे पर मास्क ना लगाने वालों पर कार्रवाई की, जहां इस दौरान बगैर मास्क वालों के खिलाफ चालान बनाए गए और जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। वे करीब 100 लोगों पर रेड क्रॉस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई, जहां पुलिस अधिकारी ने बताया ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और बगैर मास्क वालों पर 500 का जुर्माने के साथ साथ 10 घंटे की न्यायिक हिरासत में जेल भी जाना पड़ सकता है। बिना मास्क लगाए जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो हम उनको यही समझा भी रहे हैं कि भाई मास्क लगाओ जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, और उनको एक मैसेज देने के लिए चालान भी कर रहे हैं। मेरे को लगता है करीब 20 चालान हो गए, अभी आधा घंटा हुआ हमें आई हूँ। जैसा कि अभी अपन लोग देख रहे हैं कि कोरोना एक दफे फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है ग्वालियर शहर में, तो उसको देखते हुए शासन के निर्देशानुसार, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, हम लोग लगातार फूलबाग चौराहे पर अभी चेकिंग कर रहे हैं। हमारे एजेंट साहब बनवारिया का भी साधना है, सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाए हैं उनकी रेड क्रॉस की रसीदें काटी जा रही हैं। साथ ही यदि कोई मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो ये कार्रवाई हम लोगों की लगातार जारी रहेगी। हमारा रात का कर्फ्यू भी, जैसे कलेक्टर साहब के आदेश से कल रात का कर्फ्यू भी चालू हो गया है, तो उसका भी हम लोग सख्ती से पालन करा रहे हैं ताकि कोरोना नियंत्रण रह सके, जो सभी के हित में।